बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने चॉकलेट केक बनाने लगी हूँ, और जिसके लिए मैंने लिए हैं रूम टेम्परेचर 4 अदद अंडे, ख्याल रखें कि हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर हो तो केक अच्छा बनता है और अच्छी तरह से वो फूलता भी है। अंडों को मैंने अच्छी तरह से हैंड मिक्सर के साथ मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब मैंने लेवल्ड 1 कप चीनी ली है, क्योंकि मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है, और उसके लिए मैंने 1 कप चीनी जो है इसी तरह लेवल्ड मैदा है और इसी तरह लेवल्ड ही चीनी मैंने ली है। अब मैं इसको फिर ग्राइंडर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। चीनी हमारी अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, और अब मैं इसमें मैदे को मैं छान के डालूंगी, क्योंकि इससे जो केक है वो बहुत ही फ्लफी बनता है। 2 कप मैंने मैदा लिया है, और मैंने लिया है 3 चम्मच मैंने ये चॉकलेट केक के लिए पाउडर जो मिलता है वो लिया है, खखाओ पाउडर है। एक चम्मच ये जो एक पैकेट मैंने वनीला शुगर का लिया है, और 1 पैकेट ही मैंने बेकिंग पाउडर का लिया है, इसको भी मैं छान के ही डालूंगी। अब मैं इनको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रूम टेम्परेचर जो मैंने 1/2 कप दूध लिया था वो है मेरे पास, वो ऐड करती हूँ मैं इसमें, और रूम टेम्परेचर ही मैंने 3 चम्मच योगर्ट लिया, दही लिया है। और मैंने ये ऑयल लिया है, 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने। अब मैं इसको ग्राइंडर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएं। मेज़ा हमारा रेडी हो चुका है, और ओवन को मैंने पहले से प्री हीटेड किया हुआ है 150 पे। पैन को अब हम ग्रीस कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से साइडों से भी, ताकि हमारा जो केक है वो साथ ना चिमटे इसके। अब मैं जो मेज़ा है उसको इसमें डालती हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, ताकि बबल्स वगैरह ना बने, जो इसके बबल्स वगैरह हों वो भी इस तरह करने से ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए ओवन में रखती हूँ।
अब मैंने थोड़ा सारा चीनी का सिरप बनाया है, वो 2 चम्मच मैंने चीनी ली थी और थोड़ा सारा मैंने पानी लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे केक की ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।